हेलो दोस्तों, मैं देवी फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस, जानेंगे कि डिफरेंस होता क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पहले लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल स्टडी टेक को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज जो हमारी सदिश राशि है और अदिश राशि, सदिश और अदिश में डिफरेंस है क्या? कई लोग इसमें डिफरेंस बता नहीं पाते हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं होता है। अगर उनको पूछा जाए कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, तो आप जिसको तो आता होगा वो बता देगा, पर जिसको नहीं आता है वो नहीं बता पाएगा। तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी होता क्या है? सदिश, नाम से पता है, सदिश। जिस क्वांटिटी में क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है। दोनों जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं या दोनों आते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड होता है आपका क्या, परिमाण, और डायरेक्शन होता है आपका दिशा। जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन, दिशा और मैग्नीट्यूड, परिमाण दोनों आते हैं, जिसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, वो क्या होता है आपका, सदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी। सॉरी, स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी। ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये वेक्टर नहीं होता है, अदिश राशि होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब चलते हैं अदिश में। अदिश होता क्या है, ठीक है? अदिश होता है हमारा जिसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या होता है, इंक्लूडेड होता है, या मैग्नीट्यूड बताया जाता है जिसमें सिर्फ, ठीक है। तो वह क्या हो गया हमारा, इंक्लूडेड, जिसमें क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड या परिमाण जिसमें, तो वह क्या होता है, अदिश राशि होता है। जैसे अदिश राशि क्या बोल सकते हैं हम, है ना, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के जरिए आपके उसमें जरूर देखो एग्जाम्पल होता क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, वेक्टर राशि में फोर्स एक क्या है, वेक्टर राशि, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर राशि, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, इसमें क्या जानेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस एक क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस और क्या है, क्या स्पीड, ठीक है। स्पीड भी क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी। यहां पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बहुत सारे हैं जो हमारे स्केलर भी हैं और क्या है, वेक्टर भी है, और है क्यों, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ये है क्यों, इनके बारे में जानेंगे। देखो, डिस्टेंस हमारा कितनी भी हो, मान के चलो 6 मीटर है, कितना है, 6 मीटर। ये डिस्टेंस, आप ये सोच रहे होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी पिछले वीडियो में। तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जरूर देखिए उसको और जरूर विजिट करें वीडियो को, ठीक है। तो ये जो 6 मीटर है, 6 मीटर डिस्टेंस है ना। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि हम यहां से यहां चलने में 8 मीटर गए और 4 मीटर यहां गए, तो जो हमारा यहां से यहां की डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, डिस्टेंस चले हम, क्या है, डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना। तो ये अंतर मैंने बताया है पिछले वीडियो में, आप जरूर देखें, ठीक है ना, तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 6 मीटर क्या है, मैग्नीट्यूड, ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो हमने ये बनाया था, एक चित्र भी बनाया था, तो ये इधर चला, ये तो क्वांटिटी फिक्स हो गई, बट ये कहां की ओर, हो सकता है ये इधर भी तो हो सकता है, यहां की ओर, है ना। तो ये फिक्स नहीं है, इसका क्या है, एक डायरेक्शन मिल रहा आपको, तो इसलिए क्या हो गया, ये इसके साथ एक डायरेक्शन इंक्लूड हो रहा। अब देखो, फोर्स जैसे मैं किसी चीज पे धक्का मार रहा हूं, है ना, तो धक्का या तो साउथ की ओर मारूंगा, या ईस्ट की ओर मारूंगा, या वेस्ट की ओर मारूंगा ना, तो इस फोर्स में क्या हो रहा, इंक्लूड हो रहा है, क्या इंक्लूड हो रहा है, डायरेक्शन। तो इसलिए क्या है, सदिश राशि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और वेलोसिटी एंड स्पीड पिछले वीडियो में बताया है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर देखें, विजिट करें। और ये वेलोसिटी है क्यों, ये सदिश क्यों है, ये जानना, क्योंकि वेलोसिटी होता हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी वेलोसिटी होता हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वेक्टर है, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा। और यहाँ स्पीड, स्पीड हमारा
क्या है, अदिश राशि क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड क्या बन गया, स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनको हम करते हैं, वर्क, वर्क भी आएगा यहाँ, ठीक है, ये वर्क बहुत सारे हैं आप देख सकते हो, जिसमें अगर डायरेक्शन इंक्लूड होता है तो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर उसमें मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड इंक्लूडेड, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्लूड होता है तो वह क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।